हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू बैंकपीडिया एजुकेशन। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सैलरी स्लिप्स, जो कि अभी जूनियर एसोसिएट्स काम कर रहे हैं एसबीआई में, जिनकी अभी ज्वाइनिंग हुई है जनवरी में। जनवरी 25 को उनकी ज्वाइनिंग हुई थी और उनकी सैलरी स्लिप का हम कंपेरिजन करेंगे यहाँ पर IBPS के अंडर आने वाले PNB में, जिसकी ज्वाइनिंग IBPS के एग्ज़ाम के थ्रू होती है। तो अक्सर एस्पिरेंट्स के मन में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि SBI में या जो दूसरे बैंक्स हैं, जो जनरल PSBs हैं हमारे SBI के अलावा, उनमें सैलरी में जूनियर एसोसिएट्स में या PO में कितना डिफरेंस रहता है। तो आज जो सैलरी स्लिप्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो है जूनियर एसोसिएट्स की और ये न्यू ज्वाइनिंग है। ओके, पहली स्लिप जो आपको दिखाऊंगा वो PNB की होगी और दूसरी जो सैलरी स्लिप होगी वो SBI की होगी। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर को जो पहली सैलरी स्लिप मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है PNB की। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप PNB का नेम है और ये जो ज्वाइनिंग हुई थी ये नवंबर मंथ में हुई है। ओके, जो हमारा रिसेंट 2020 में ज्वाइनिंग हुई थी वो है। तो यहाँ पर आप देखिए बेसिक सैलरी जो है इनकी 19,900 रुपीज़ है। यहाँ पर जो DA है, DNS अलाउंस, विच इज 5209.82 रुपीज़, जो यहाँ पर को DA है वो अभी फेब्रवरी में जो 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के बाद लगा हुआ है 26.8% है। ओके, 26.81%। ओके, तो अगर आप इसका 26.81% निकालेंगे तो आपको यहाँ पे DNS अलाउंस मिल जाएगा। ओके, सो उसके अलावा यहाँ पर को क्या क्या मिलता है एक जूनियर एसोसिएट को PNB में। DNS अलाउंस के अलावा यहाँ पर HRA मिला हुआ है जो कि 2039.75 रुपीज़ है। जूनियर एसोसिएट या क्लैरिकल में आपको लीज अकोमोडेशन नहीं मिलती है बैंक की तरफ से, तो ये जो HRA है ये ऑलमोस्ट सब में कॉमन रहेगा। कन्वेयंस अलाउंस कहीं पे कन्वेयंस अलाउंस लिखा रहता है, कहीं पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस होगा, ये आपका 757 रुपीज़ है। ओके, इसके अलावा कुछ स्पेशल अलाउंसेस यहाँ पे मिले हुए हैं जो कि 4118 रुपीज़ है। ओके, तो इस तरीके से आपकी PNB की ग्रॉस पे जो आपकी बन रही है एक मंथ की वो है 32,024 रुपीज़। ओके, अब इसमें उसके बाद कुछ डिडक्शन होते हैं यहाँ पे जो कि आपके पेंशन फंड में जाते हैं, जो नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर आता है। तो NPS फंड में आपके यहाँ पर को 2510 का डिडक्शन देखने को मिल रहा है और यही सिर्फ एक डिडक्शन है जो इसमें लगा है, क्योंकि अभी ये एक एज अ प्रोविजन पीरियड में चल रहे हैं, 6 महीने का प्रोविजन पीरियड होता है, तो अभी इनके इसके अलावा कोई और डिडक्शन यहाँ पर को नहीं है। ओके, तो जो नेट पे यहाँ पर को निकल के आ रही है महीने की वो है 29,513 रुपीज। ओके, PNB कलर की। अब सैलरी स्लिप देखेंगे SBI की और देखेंगे दोनों सैलरी स्लिप में डिफरेंस कितने का है। ओके, तो ये है SBI की सैलरी स्लिप, इनकी ज्वाइनिंग हुई है 25th of January 2021 को। ओके, तो यहाँ पर को नेम वगैरह तो सब ऐड कर दिया मैंने, आप देख सकते हैं पोजीशन डेजिग्नेशन जूनियर असिस्टेंट का, उसके बाद यहाँ पर को DA, ये देखिए जिस DA की मैं बात कर रहा था ये दोनों बैंकों में सेम है। ओके, सॉरी मैंने 26.81 बोल दिया था, इट इज 26.18%। ओके, सो बेसिक सैलरी सेम है, एक ही ग्रेड के अंदर आते हैं दोनों। ओके, तो 19,900 रुपीज़ बेसिक सैलरी आपको SBI में भी देखने को मिल रही है। DNS अलाउंस, अब DNS अलाउंस यहाँ पर को 6,352.21 है। ओके, तो इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, जो कि पिछली स्लिप में आपको यहाँ पर को DNS अलाउंस 5,209 रुपीज़ का देखने के लिए मिल रहा है, वही DNS अलाउंस यहाँ पर को 6,352 रुपीज़ का है। ओके, और उसका HRA 2091 रुपीस का है और आपको यहाँ देखने को मिला था 2039 रुपीस, विच मीन्स 50-60 रुपए का अंतर है। उसका ट्रांसपोर्ट अलाउंस में यहाँ 600 रुपए है, विच इज कन्वेयंस अलाउंस इन प्रीवियस स्लिप, तो कन्वेयंस अलाउंस यहाँ पर को 757 का था और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस 600 रुपए का है, तो अप्रोक्स 150 रुपीस का डिफरेंस है दोनों में। SBI में यहाँ पर को कम दिख रहा है। ओके, उसका यहाँ पे एरियर्स ऑफ अर्निंग्स है, इसके बारे में बात करता हूँ अभी, ये क्या चीज़ है। उसका स्पेशल अलाउंस है और स्पेशल पे न्यू है, तो इन दोनों को अगर आप काउंट करें तो ये 3763 रुपीज़ हो रहे हैं, विच इज यहाँ पर कोई स्पेशल अलाउंस 4118 रुपीज़ के हैं। ओके, तो यहाँ पर कोई स्पेशल अलाउंस यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा है और यहाँ पर 3763 रुपीज़ के हैं, अप्रॉक्स 300 रुपीज़ का अंतर है, 300-400 रुपीज़ का। तो यहाँ पर को जो टोटल इनकम इनकी बनी है एक मंथ की, फर्स्ट मंथ की ज्वाइनिंग के बाद, वो है 37,891 रुपीज़। ओके,
अब यहाँ पर को भी कॉन्ट्रीब्यूशन है पेंशन फंड में 2575 रुपीज का, ओके, और सेम कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर भी है 2510 रुपीज का, तो ये 60-70 रुपीज का डिफरेंस आ गया अगेन। तो यहाँ पर को डिडक्शन होने के बाद इस 2575 का, इससे जब टोटल पे से डिडक्शन हुआ तो टेक होम पे जो यहाँ पर बन रही है नेट पे जो है वो 35370 रुपीज बन रही है फर्स्ट मंथ की, ओके। तो ये जो 35317 रुपीज है ये फर्स्ट मंथ में मिला हुआ है। अब ये जो 5000 का अप्रोक्स अंतर आ रहा है दोनों सैलरी स्लिप्स में, वो जो है इस वजह से आ रहा है क्योंकि आप यहाँ पर देखिए ये फोर्थ पॉइंट है एरियर्स ऑफ अर्निंग्स का, ओके, ये वाला पॉइंट, ये 5184 रुपीज का है। ये हर मंथ नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो अभी ज्वाइनिंग हुई है 25 जनवरी को हुई थी, तो इसमें ये 4 to 5 days की, 4-5 days की सैलरी यहाँ पर को एक्स्ट्रा है, 5 days की ये सैलरी है बैंक की, ओके, जो ज्वाइन करने का बंदों को मिली हुई है इस मंथ में ऐड होके। नेक्स्ट मंथ में अगर आप इसी को जो ये टेक होम पे 35317 इसमें से अगर आप डिक्रीज कर दें इस 5184 को, 5184 को अगर आप डिक्रीज कर दें तो इनकी नेक्स्ट मंथ की सैलरी अप्रोक्स जो बनने वाली है वो होगी अप्रोक्स 30133 रुपीज, ओके। हो सकता है इसमें कुछ ऊपर नीचे और हो जाए क्योंकि अलग अलग टाइप के अलाउंसेस इसमें ऐड होते रहते हैं, तो यहाँ पर कोई 30133 बना और यहाँ पर को जो सैलरी बनी है वो 29513 रुपीज बनी है पीएनबी की, ओके। तो जो दोनों सैलरीज का डिफरेंस यहाँ पर को हमने को देखने के लिए मिला वो 500 to 600 रुपीज का अभी फिलहाल है न्यू ज्वाइनिंग में, ओके। तो जब 6 महीने बाद प्रोबेशन एंड हो जाएगा, हो सकता है इसमें कुछ चीजें ऐड हो जाए दोनों जगह, तो फिर सैलरी में क्योंकि अलाउंसेस में अंतर होता है तो ये जो सैलरी का डिफरेंस रहने वाला है ये अप्रोक्स 1000 to 1500 ही वेरी करेगा, ओके। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है सैलरी में, यही रहने वाला है। एसबीआई की जो सैलरी है वो पीएनबी की सैलरी से थोड़ी सी यहाँ पर ज्यादा निकल के आई है, ओके। तो बस ये था आज की वीडियो में, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ओके, थैंक यू।